नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पूरे बिहार भर में जाप के कार्यकर्ताओं के द्वारा और खुद जाप अध्यक्ष पप्पू यादव के द्वारा भी किसान बिल के विरोध में रेल चक्का जाम किया जा रहा है। इस दौरान हमने आपको इससे पहले भी कई तस्वीरें दिखाई। एक ऐसी तस्वीर भी आई जब पप्पू यादव खुद मोर्चा संभालते हुए दिखे थे और उन्होंने उस दौरान सरकार पर खूब हमला बोला था। लेकिन अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। पूरे बिहार में जो किसान आंदोलन को हवा देने की कोशिश की जा रही है जाप के द्वारा, उसमें सबसे अहम जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जाप द्वारा रेल चक्का जाम किए जाने के आयोजन में दर्जनों जाप समर्थकों और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले बिहार जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा रेल चक्का जाम किया गया था और इसके आयोजन के दौरान ही जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकने का मामला दर्ज करने की बात कहते हुए इन नेताओं को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस ने कर दी है पप्पू यादव के नेताओं के खिलाफ। और कहा यह जा रहा है, जाप की अगर हम बात कर लेते हैं तो पप्पू यादव लगातार किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में खड़े रहे हैं। कहते रहे हैं कि सरकार जो भी किसान का बिल लेकर के आई है, किसान संबंधित जो बिल सरकार के द्वारा पेश किए जाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इससे किसानों को फायदा होगा, तो वहीं लगातार दिल्ली बॉर्डर इसकी बानगी है और दिल्ली बॉर्डर पर से आ रही तस्वीरें इसकी गवाह हैं, जो ये कह रही हैं कि किसान इस बिल से नाखुश हैं। आपने सुबह सुबह ही लाइव सिटीज पर राकेश टिकैत का भी बयान सुना। उन्होंने भी सरकार के खिलाफ आपत्ति जताई और कहा कि हमारा ट्रैक्टर अभी भी तैयार है और कभी भी सरकार को हम सड़क पर लाकर छोड़ेंगे। तो ऐसे में अब बिहार में जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव भी पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है रेल चक्का जाम करने के आयोजन के दौरान ही जाप कार्यकर्ताओं और कई नेताओं को पुलिस की हिरासत में लिया गया है। और ना सिर्फ हिरासत में बल्कि ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट को बाधित करने के एवज में इन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लगातार पप्पू यादव जो है वो सवाल खड़े करते रहे हैं सरकार पर, चाहे वो बिहार की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। और यही कारण है कि जब भी मौका मिला है पप्पू यादव सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए हैं और इस बार भी यही हो रहा है। आज दिन भर जो है बिहार में जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा रेल चक्का जाम का आयोजन किया गया है। ट्रेनों को रोका जा रहा है, ट्रेन के परिचालन को बाधित किया जा रहा है, ये बताने के लिए कि सरकार ने जो भी कानून लाया है किसान के लिए वो किसानों के हित में नहीं है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि पुलिस इन नेताओं पर क्या कुछ कार्रवाई करती है जो नेता हिरासत में लिए गए हैं। कहने को तो कहा जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज होगा, मामला भी दर्ज किया जाएगा यातायात को बाधित करने के एवज में। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पप्पू यादव की जो सेना सड़क पर उतर पड़ी है उसका अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्ष की बात कर लें, तेजस्वी की बात कर लें या फिर पप्पू यादव की बात कर लें, तो किसानों के मसले पर सुर में सुर मिलाते नजर आए हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।